स्वच्छ भारत को इरादा कर लो हमने, लेकिन छतरपुर स्वच्छ हो रहा हो कि नहीं भगवान जाने, लेकिन नदियां गंदी कर डाली हमने, तालाब में पूर दो कचरा पूरो, घरन की नाली नदियां में पहुंची, घरन की नाली तालाब में पहुंची, बन गाओ पूरो। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे खबर ही मेरा की जाए कि पठापुर रोड तिराहे पर राम जानकी प्राचीन मंदिर के बाहर की तलैया के जीर्णोद्धार की अब मांग उठन लगी। हम बता दें कि जहाँ तलैया ऐसी है कि हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी को जो कॉलोनी बनी हाउसिंग बोर्ड की, ऊ के घरन को नर्दा नाली को पानी तालाब है, और आस पास के घरन के नर्दा नाली तालाब है, गंदगी कचरा आदमी वही तला में डाल रहा हो जो छोटी सी तलैया है, और इस तलैया के गंदे होवे से प्राचीन राम जानकी मंदिर को स्वरूप उतः की स्वच्छता सुंदरता उतः की शांति वैभव विलासता सब कछु प्रभावित हो रहा, और भगवान के मंदिर के किनारे की तलैया अपवित्र रहे बेकार रहे उतः नर्दा नाली कूड़ा करकट जोड़े तो सोचो कितना अभिशाप और पाप उतः की जनता के लग रही है। ये पूरे मामला के लेके कलेक्टर से लेके विधायक से लेके नगर पालिका सीएमओ से लेके सबके ज्ञापन भी स्थानीय लोगों ने दे, मंदिर समिति के लोगों ने मिलके दे हैं। ज्ञापन के बाद भैया उसके बाद भी आदमी इनके उम्मीद जगी है कि शायद जो अभियान चले, नगर पालिका सीएमओ ने कही है कि चलो कछु ना कछु कर भी है, लेकिन अब भी लोगों की दरकार जो है समस्या गंभीर है, तो हमें अपने कवि राजेंद्र त्रिवेदी के मौका पे भेजो, और मौका में जो उन्हें तलैया देखी होता है कि दृश्य स्थिति देखी तलैया की जो दुर्दशा है, वो आदमी कहाँ कह रहे हैं कहाँ बता रहे हैं, पंचायत सुन लो फिर ज्ञापन कहाँ कैसे देगा जो देख सुन लो सब जने। तो जाए तलैया की दशा भैया, तलैया की स्थिति खराब है और आदमी जो कह रहे हैं एक है, लेके कल कलेक्टर कल जगत नगर पालिका सीएमओ से लेके विधायक कभी ज्ञापन दे गई संबंध में, और तलैया के जीर्णोद्धार की मांग उठाई गई, तो देखो कहाँ कैसे ज्ञापन दाए गए सुल्तान। ज्ञापन दिया पठापुर स्थित तलैया के लिए स्थानीय रहवासियों ने और धार्मिक संगठनों ने एक ज्ञापन अभी दिया है, इसके संदर्भ में जो भी आवश्यक वहाँ कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, और अभी मैंने उनको बता दिया है कि जीर्णोद्धार तो तुरंत संभव नहीं है, तो उसके लिए हम लोग प्रपोजल तैयार कर लेंगे, फंड अवेलेबल होगा तो उसको भी करा देंगे। ये सफाई का काम कब से प्रारंभ होगा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफाई का हम अभी बात कर लेते हैं एक बार, और इसमें कुछ स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल करेंगे, और सबके सहयोग से एक बड़ा अभियान चलाकर उसको सफाई कराएंगे, और इसके साथ उसमें जो गंदा पानी मिल रहा है वो ट्रीटेड होके मिले, ऐसा हम लोग प्लान तैयार करके जो प्राथमिक उपचार कर सकते हैं वो पहले हम लोग तैयार करके प्लान तैयार करके हम करेंगे। भैया और राम राम, आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। बुंदेली चुगली हमेशा सामाजिक सरोकार की खबरें दिखाऊ, एक क्रम में आज हम आए जब तलैया है पठापुर रोड पे, तिगड्डा पे है जो तलैया, आगे आप देख सकते के जो मंदिर है तलैया के ठीक सामने मंदिर भी बनो, जैसा कि हम आपका दिखवा रहे मंदिर भी देख लो आप सब जने। आप देखो ये तलैया की हालत, हम कैमरामैन से चाबी के भैया कैमरा घुमा के चारों तरफ, और तलैया की दुर्दशा दिखवाई जाए जिसमें शासन प्रशासन की आंखें खुलें, इनकी आंखें खुल जाएं, कहते मचो का है जो यह है बुंदेली चुगली की ठक्का ठाई। अब ठक्का ठाई बुंदेली चुगली की ऐसी है कि देखो सीवर ई में चारों तरफ से आए इस तलैया में जुड़े भाई हैं, जहाँ से देखो वही से नालियन को पानी, घरन को पानी, और सब कचरा पूरे मोहल्ला को एक तलैया में डालू जाए। अब भैया कछु तो बाट वालन की भी गलती है, मोहल्ला वालन की गलती है कि साफ सफाई को खुद ध्यान दो, सरकार के भरोसे ना रहो, लेकिन अगर सरकार के भरोसे ना रहा आदमी तो करेगा का, टैक्स देता आदमी तो आदमी सोचे सरकार करे। अभी तलैया की ज्यादा दुर्दशा है कि कोई को साफ सफाई को नहीं आ, कोई साफ सफाई को ध्यान दे ही नहीं रहो, ना कोई है ही कि तलैया की को धना धोरी कि शासन प्रशासन हुए जनता को न हुए,
जबकि यह तलैया इतनी उपयोगी है कि इसमें साल भर को निस्तार चलत आदमी उनको पानी को जरूरतमंदन को, लेकिन इसमें ध्यान नहीं दे जा रहा। अब हम कछु भैया ऐसे दुकानदार भी हैं जो तलैया के ठीक सामने हैं, तब उन दुकानदारन से अभी बात करवा रहे आप लोगों की कि तलैया से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। फिर दुकान वाले बताएं भैया, मोहल्ला वाले बताएं, बताओ भैया तो क्या दिक्कत है तलैया में, क्या परेशानी है बताओ। यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है और यहाँ पर कभी भी बुंदेली में बोलने देखो, बुंदेली चैनल आए तो इतना बड़ा जो कचरा ढरूरात के कभी तो सफाई करे वाले आउत नहीं है, और तो बदबू हुए सुबह लगाई आउत है, और ये तो सब जने कहा देंगे दुकान है बन जाती इसे देखा थोड़ा मार्केट से देखा लग तो ज़्यादा अच्छा रहा है, तो इसे इतने को बढ़िया विकास हुई है, और यही से हम लोग चाहते हैं कि सब बढ़िया मंदिर भी है सामने, तो उस हिसाब से अच्छा देखे तो ज्यादा अच्छा है। सुनो बोल लेते से बोलोगा नगर पालिका वाले चाहे तो इतने गिर गिर दुकानें नहीं करते हैं, और बीच में बाजार लगने लगे मंगली सप्ताह के बाजार लगाते थे। देखो भैया दुकानदार सलाह भी नगर पालिका का बिना मांगे दे रहे हो, सही सलाह दे रहे कि अगर मार्केट बन जाए तो तलैया को उद्धार भी हो जाए, तरक्की भी हुई है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या हल हो जाए है कि अगर मार्केट बने तो कछु लोगन खर रोजगार भी मिल जाए, तलैया की गंदगी से निजात भी मिल जाए है। अब देखो भैया हम दुकानदारन से सबरन से पूछ पूछ के एक एक दुकानदार से भैया बताओ तलैया में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप लोगन का क्या असुविधा हो तलैया में, जो सफाई हो जाए कचरा वचरा रेत बदबू भी आ जा, पानी गंद हो जाता, साफ सफाई नहीं होती बिल्कुल। हाँ साफ सफाई तो नहीं भाई तलैया की। अगर जो है भैया देखो दुकानदार जी सामने वाले हैं तलैया के, सब जने बता रहे, सभी दुकानदार बता रहे कि तलैया की साफ सफाई कभी होती नहीं है, नगर पालिका नारा भर लगा रही स्वच्छता अभियान को, लेकिन उस स्वच्छता अभियान की ऐसी तैसी कर रहे। देखो एक एक दुकानदार से भैया हम बात करके और सब हाल तलैया को सामने देखवा रहे, बताओ भैया तुम बताओ तलैया की क्या हाल है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तलैया। जय तलैया तो नहीं भाई 25 साल से कहूँ साफ, ये बोल रहे हैं नीचे ये तो दो नहीं है पास रात ना, तो भी कहूँ सुनाता है ना तो कहूँ लोग जाता है, सुनना ही नहीं है तो जाना की यहाँ होते हैं। कई बार पार्सल बदलवे को भी मूड है पास यार बनो चाहिए दूसरो। तो भैया देखो दुकानदारन को अलर्ट भी सुनत जाइयो, ध्यान दे चुनाव लड़ने पे हाथ जोड़ भेजे हो पाँव पर भी घरे, और अगर ना साफ सफाई भाई ना कोनो काम हो तो भी वोट न दे कोल खा के बैठे गए दुकानदार सब जने। अब देखो भैया हम आगे तलैया की दशा और दिखवाएं दे रहे, इसके बाद फिर अपने भाषण जो समाप्त करें हम। देखो जाहिर तलैया की दशा चारों तरफ से तो जानवर फिरत, इस तलैया में ना तो कोनो प्रकार की साफ सफाई करी गई आज तक, दुकानदार जैसो बता रहे कि तलैया में साफ सफाई कहूँ होता ही नहीं था, बदबू से निजात नहीं मिल रही, बदबू बराबर आ रही तलैया में, काय से चारों तरफ कचरा को ढेर लगो। दुकानदार सब बोलवे तैयार हैं, सब बोल भी रहे अपनी अपनी समस्या भी धर रहे, और देखो एक आध दुकानदार हमसे और भी बात करवा रहे हैं, भैया अगर कोनो तैयार हो रहे बोल रहे कैसे आदमी प्रशासन खान डरा थे। तो भैया जब जनता को मांग उठाने लगी, हमें जो पता है कि जनता जो काम में लग जाए तो जो मानो जीर्णोद्धार हो जाए तलैया को, शांति तलैया को होगा तो पते को होगा, तो अब जो है कि जनता ही खुद पूरे गंदो कर दे तो तलाक कहाँ लोग बने, लेकिन नगर पालिका की जवाबदेही के जौन के नर्दा नाली तालाब में डरे हैं, जिनके जुर्माना करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसी नाली बना के भैया तालाब में चीजें ना जाए, तो नगर पालिका को भी दोष पूरा पूरा है कि जो तालाब गंदे करवाऊ थे, जो मान के चलो तो नगर पालिका के ईमानदार होने हैं। हम उनसे क्या है कि जो तो चुनाव लड़ने की तो जुगाड़ में है, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव जो लड़ने तो अवैध घर से कड़े आओ, नदियाँ नाले तालाब साफ करवाओ, तब तो आदमी भरोसे करे, केवल वोट मांगो ठंडा नहीं लागे, सो को खरीदे जो मान के चलियो, सो निकलो अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ, बिल्कुल समाज की जागरूक करके तलाव तलैया ठीक करा, तब तो शोभा शहर की बने, नहीं तो आदमी यही कहे कि हम लावारिस शहर में रह रहे हो कछु नहीं कहें, और पहले के अध्यक्ष के कोस है बाद तक के इनके कोसते रहे आदमी, जन भागीदारी से शांति तलैया को जीर्णोद्धार 5-5, 6-6 बार करो, लेकिन नगर पालिका का है उन्हें लगी थी खुश की, तो उनने भैया विरोध उनने तो करो इतना करो कि उनने कछु काम तक करो नहीं है, उनसे कही थी एक नाला डाइवर्ट कर दो तो जनता ये शुद्ध हो जाए, कछु नहीं करो लोगरिए लगा के हो रही भरो, इतनी जनता की मेहनत शहर के आदमी को श्रम अलग अलग संगठन को श्रम बर्बाद कर दो, इनकी अनदेखी ने अब देखा थे आगे का हुई, अभी तो हम ले रहे थे जयराम जी की, तो फेडरम में जाओ भैया फेडरम जी में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है उनके बगल में, पतंजलि को स्टोर है उनके सामने सागर रोड पे देरी रोड के पहले, और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने पन्ना नागिन ब्रांच दमराई मोहल्ला में, तो भैया जाओ भैया पेटम में, अगर शरीर को निकल गया हो दम तो अपना पेटम।